हेलो फ्रेंड्स, सर्कुलेटरी सिस्टम के पिछले वीडियोस में हमने हार्ट का स्ट्रक्चर पढ़ा है। अब इस वीडियो में हम कार्डियक साइकिल पढ़ने वाले हैं। तो कार्डियक साइकिल का मतलब ये है कि हार्ट हमारा किस तरह से बीट करता है, उसे कार्डियक साइकिल कहेंगे। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, ये कार्डियक साइकिल। हाउ डज द हार्ट फंक्शंस, हार्ट किस तरह से फंक्शन करता है, उसमें बीटिंग किस तरह से होती है, हार्ट बीट कैसे होता है, ऑरिकल्स और वेंटिकल्स कैसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसको सिस्टोल कहते हैं, कैसे डायलेट होते हैं जिसको डायस्टोल कहते हैं, है ना। तो बिगिन विथ, ऑल द फोर चेंबर्स ऑफ द हार्ट आर इन रिलैक्स्ड स्टेट, दे आर इन जॉइंट डायस्टोल। शुरुआत करते हैं हम कि जब चारों चेंबर, दोनों ऑरिकल और दोनों वेंट्रिकल डायस्टोल कंडीशन में है, मतलब फैले हुए कंडीशन में है, और उनमें ब्लड भर रहा है। ठीक है, और देखिए कि ये हार्ट है। ठीक है, यहां पर ट्राइकास्पिड और बाइकास्पिड वाल्व है। देखिए, ये ऐसे करके और ये ऐसे करके, ठीक है। तो यहां पर एक ट्राइकास्पिड वाल्व है, यहां पर एक बाइकास्पिड वाल्व है। तो ये दोनों ओपन है और ब्लड जो है पूरे बॉडी से कलेक्ट होके राइट ऑरिकल में और लंग से कलेक्ट होके लेफ्ट ऑरिकल में आ रहे हैं। तो ये इम्प्योर ब्लड है, ये प्योर ब्लड है। तो इम्प्योर ब्लड जो है राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में और प्योर ब्लड लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में उतर रहे हैं, और ये ट्राइकास्पिड और बाइकास्पिड वाल्व खुले हुए हैं। ठीक है, तो ये देखिए, ब्लड फ्रॉम द पल्मोनरी वेन्स, मतलब पल्मोनरी वेन्स यहां पर आ रहे हैं। देखिए, ये पल्मोनरी वेन्स एंड वेना केवा, ये वेना केवा जो हमारे पूरे बॉडी से, दो वेना केवा होता है, प्री केवा और पोस्ट केवा। प्री केवा शरीर के ऊपरी हिस्से से और पोस्ट केवा शरीर के निचले हिस्से से ब्लड को कलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए, पल्मोनरी वेन और वेना केवा फ्लोज इन टू लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल्स रेस्पेक्टिवली थ्रू द लेफ्ट एंड राइट एट्रिया। तो मतलब ये है कि इम्प्योर ब्लड वेना केवा से राइट ऑरिकल में, एट्रिया में, और लेफ्ट में आता है पल्मोनरी वेन से प्योर ब्लड, और ये दोनों वेंट्रिकल में उतर रहे हैं। ठीक, द सेमी लूनर वॉल्स आर क्लोज्ड एट दिस स्टेज। आपको याद होगा सेमी लूनर वाल्व हम किसको बोलते हैं, तो राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी या एओर्टा निकलती है, वहां पर एक सेमी लूनर वाल्व है, और लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलती है सिस्टेमिक एओर्टा। राइट से निकलती है पल्मोनरी और लेफ्ट से निकलती है सिस्टेमिक एओर्टा। इन दोनों की ओपनिंग जहां पर निकलती है वहां पर, वेंट्रिकल के अंदर जहां से निकलती है वहां पर ये सेमी लूनर वाल्व होते हैं। अब ब्लड को एओर्टा में तो जाने देते हैं, वापस नहीं आने देते हैं। तो चूंकि ऑरिकल वेंट्रिकल फैले हुए कंडीशन में है, तो ब्लड के वापस आने का चांस था, इसलिए सेमी लूनर वाल्व अभी बंद है। ठीक है, अब ऐसे नोड से इंपल्स प्रोडक्शन चालू होगा। नाउ जेनरेट्स एन एक्शन पोटेंशियल विच स्टिमुलेट्स बोथ द एट्रिया टू अंडरगो ए साइमल्टेनियस कॉन्ट्रेक्शन द एट्रियल सिस्टोल। तो देखिए, हार्ट में, ये हार्ट है, ठीक है, तो हार्ट में यहां पर जो ऐसे नोड है, यहां से जब इंपल्स शुरू होगा तो ऑरिकल में, एट्रिया में पूरे फैल जाएंगे, और ये ऑरिकल या एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होंगे। इसको हम कहते हैं एट्रियल कॉन्ट्रेक्शन या एट्रियल सिस्टोल। तो सबसे पहले दोनों एक साथ सिस्टोल होंगे, ठीक है, और इनके सिस्टोल होने से इनका बचा हुआ ब्लड भी वेंट्रिकल में आ जाता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि इनके सिस्टोल होने से पहले ही 70% ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल में आ चुके हैं, क्योंकि यहां पर सेमी, ये जो वाल्व है ट्राइकास्पिड बाइकास्पिड दोनों के बीच में रहते हैं जो, ये ओपन रहते हैं। तो जैसे जैसे एट्रिया में ब्लड आते जाते हैं
वो वेंट्रिकल में उतरते जाते हैं। तो 70% ब्लड तो पहले से उतर चुका है, बचा 30% ब्लड वो जो है एट्रियल कॉन्ट्रेक्शन या एट्रियल सिस्टोल के साथ वेंट्रिकल में उतर जाता है। ठीक है, ये देखिए, दिस इंक्रीजेस द फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द वेंट्रिकल्स बाय अबाउट 30%। ये देखिए 30% ब्लड जो बचा हुआ है वो अब एट्रिया से वेंट्रिकल में उतरते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि ये जो इंपल्स एसए नोड ने प्रोड्यूस किया था ये एवी नोड से होते हुए अब बंडल ऑफ हीज से होते हुए पुरकिंजे फाइबर से होते हुए ये वेंट्रिकल में फैल जाएंगे। ठीक है, पहले एट्रिया में फैले अब वेंट्रिकल में फैलेंगे। ये देखिए द एक्शन पोटेंशियल इज कंडक्टेड थ्रू द वेंट्रिकुलर साइड बाय द एवी नोड एंड एवी बंडल फ्रॉम वेयर द बंडल ऑफ हीज ट्रांसमिट्स इट्स थ्रू द एंटायर वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर। तो ऐसे नोड से एट्रिया में फैला, फिर एवी नोड में आया, एवी नोड से बंडल ऑफ हीज, फिर पुकिंजे फाइबर और फिर वेंट्रिकल, वही लिख रहा है यहां पर। ठीक है, दिस कॉसेस द वेंट्रिकुलर मसल्स टू कॉन्ट्रैक्ट वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अब वेंट्रिकल भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे जिसको हम कहेंगे वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ठीक, तो पहले ऑरिकल यानी एट्रिया सिस्टोल किए, फिर वेंट्रिकल सिस्टोल किए। ठीक है, अब इसी बीच में जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं उस बीच में एट्रिया जो है ये रिलैक्स होना शुरू हो जाते हैं, डायस्टोल होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो ये दोनों, पहले वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उसके साथ एट्रिया रिलैक्स होना शुरू हो गए, इसी को लिखा है देखिए कि कॉन्साइडिंग विद द वेंट्रिकुलर सिस्टोल, मतलब कि वेंट्रिकल के सिस्टोल के साथ ऑरिकल डायस्टोल होना शुरू हो गए। ठीक है, और जब वेंट्रिकल में सिस्टोल होगा तो एक प्रेशर डेवलप करेगा वो, और ये प्रेशर के साथ ब्लड को एओटा में भेजेगा। राइट वेंट्रिकल अपने ब्लड को पल्मोनरी एओटा में भेजता है और पल्मोनरी एओटा उसको लंग में लेके जाता है जिससे इम्प्योर ब्लड को प्योर करते हैं, अपन उसमें ऑक्सीजन भरते हैं। ठीक, और जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो अपने ब्लड को सिस्टेमिक एओटा से होते हुए पूरे बॉडी में फ्लो कराता है। तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल के साथ ये जो वेंट्रिकल का प्रेशर है वो बढ़ जाता है। ठीक है, और इसके साथ ही ट्राइकास्पिड और बाइकास्पिड वाल्व ये बंद हो जाते हैं, और ये जो ब्लड है ये वेंट्रिकल से एट्रिया में वापस नहीं जा पाता है। मतलब ये है कि ब्लड जो है पहले ऑरिकल से वेंट्रिकल में आए, अब वेंट्रिकल से ये पल्मोनरी एओटा और सिस्टेमिक एओटा में जाएंगे तो वापस एट्रिया में ना जा पाए, इसके लिए ट्राइकास्पिड और बाइकास्पिड वाल्व को हम बंद कर देते हैं। ठीक है, और जो सेमिलुनर वाल्व है जो एओटा के माउथ में है वो खुल जाते हैं। ये देखिए, एज द वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीजेस फर्दर द सेमिनुलर वॉल्स गार्डिंग द पल्मोनरी आर्टरी राइट साइड में एंड द एओटा लेफ्ट साइड में, सिस्टेमिक एओटा लेफ्ट साइड में आर फोर्स्ड ओपन, सेमिलुनर वाल्व खुल जाते हैं, ट्राइकास्पिड बाइकास्पिड बंद हो जाते हैं, सेमिलुनर खुल जाते हैं। ठीक है, और ये जो ब्लड है ये वेंट्रिकल से फ्लो होकर के जो है पल्मोनरी एओटा में और सिस्टेमिक एओटा में चले जाते हैं। ठीक है, वेंट्रिकल्स टू फ्लो थ्रू दीज वेसल्स इनटू द सर्कुलेटरी पाथवे, लंग्स में और पूरी बॉडी में फ्लो हो जाते हैं। राइट वेंट्रिकल वाला लंग में जाता है और लेफ्ट वेंट्रिकल वाला पूरी बॉडी में जाता है। अब वेंट्रिकल के सिस्टोल के बाद वेंट्रिकल का डायस्टोल चालू होगा। ये देखिए, द वेंट्रिकल्स नाउ रिलैक्स वेंट्रिकुलर डायस्टोल एंड द वेंट्रिकुलर प्रेशर है ना फॉल्स, और जैसे वेंट्रिकल फैलना शुरू होंगे जो सेमिलुनर वाल्व को हमने खोल के रखा तो पक से बंद हो जाएगा, और सेमिलुनर वाल्व के बंद होते ही ट्राइकास्पिड बाइकास्पिड वाल्व खुल जाएंगे जिससे ब्लड जो है वेंट्रिकल में आने लगा, वेंट्रिकल फैल रहा है, ब्लड आ रहा है। ये देखिए, तो जैसे ही वेंट्रिकल प्रेशर कम हुआ जो सेमिलुनर वाल्व थे जो खुले हुए थे वो बंद हो गए, और इससे जो ब्लड है वो एओटा से वापस वेंट्रिकल में नहीं आ पाते, पल्मोनरी एओटा से और सिस्टेमिक एओटा से वापस वेंट्रिकल में नहीं आ पाते। ठीक है, और इसके बाद जैसे ही वेंट्रिकल में प्रेशर और कम हो रहा है
ट्राइकास्पिड और बाइकास्पिड वाल्व खुल जा रहे हैं, ठीक है। और इससे क्या होता है कि जो एट्रिया में आने वाला जो ब्लड है वो सीधे सीधे नीचे वेंट्रिकल में खाली होने लगता है, वेंट्रिकल में उतरने लगता है। एट्रिया में ब्लड कहां से आता है? राइट एट्रिया में ब्लड आता है पूरे बॉडी से, इम्प्योर ब्लड, और लेफ्ट एट्रिया में ब्लड आता है लंग से प्योर होके। तो प्योर ब्लड लेफ्ट में और इम्प्योर ब्लड राइट में एट्रिया में आ रहे हैं, और चूंकि ट्राइकास्पिड बाइकास्पिड खुले हुए हैं तो उसमें सीधा सीधा वेंट्रिकल में नीचे उतर रहे हैं। तो 70% ब्लड तो सीधे उतर जाते हैं ऑरिकल के कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले, ठीक है। ये देखिए, द ब्लड नाउ वंस अगेन मूव्स फ्रीली टू द वेंट्रिकल्स, द वेंट्रिकल्स एंड एट्रिया आर नाउ अगेन इन रिलैक्स ज्वाइंट डायस्टोल स्टेट एज अर्लियर। तो एक ऐसा समय आता है जब एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों डायस्टोल कंडीशन में पहुंच जाते हैं, और इसे अपन ज्वाइंट डायस्टोल कहते हैं, ठीक है। और फिर से जब डायस्टोल कंप्लीट हो जाता है तो फिर से ऐसे नोड अपना इंपल्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है, जो कि एट्रिया में पहले फैलेगा तो एट्रिया में कॉन्ट्रेक्शन होगा सिस्टोल, फिर वो वेंट्रिकल में फैलेंगे तो वेंट्रिकल में सिस्टोल होगा, ठीक है। और वेंट्रिकल सिस्टोल हो रहे हैं उस समय एट्रिया रिलैक्स होना चालू हो जाते हैं, फिर वेंट्रिकल रिलैक्स हो जाते हैं। तो एक ऐसा समय आता है कि एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों रिलैक्स्ड होते हैं, दोनों डायस्टोल में होते हैं। तो कार्डियक साइकिल क्या हुआ, ऐसे नोड सिंपल प्रोड्यूस हुआ, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, उस समय ऑरिकल रिलैक्स होना चालू हो जाते हैं, फिर वेंट्रिकल रिलैक्स होते हैं, दोनों जॉइंट डायस्टोल, फिर से ऐसे नोड से इंपल्स प्रोड्यूस होता है। तो इस तरह से हमारे जो हार्ट का कार्डियक साइकिल है वो चलते रहता है, ठीक। दिस सिक्वेंशियल इवेंट इन द हार्ट विच इज साइक्लिकली रिपीटेड इज कॉल्ड द कार्डियक साइकिल, एंड इट कंसिस्ट ऑफ सिस्टोल एंड डायस्टोल ऑफ बोथ एट्रिया एंड द वेंट्रिकल। तो एट्रिया और वेंट्रिकल ये दोनों सिस्टोल करते हैं, डायस्टोल करते हैं, सिस्टोल करते हैं, डायस्टोल करते हैं, बस यही कार्डियक साइकिल है। एक मिनट में 72 बार 72 टाइम्स ऐसा होता है, ठीक है। एज मेंशन्ड अर्लियर द हार्ट बीट्स 72 टाइम्स पर मिनट, दैट इज मैनी कार्डियक साइकिल्स आर परफॉर्म्ड पर मिनट्स। तो एक मिनट में 72 टाइम कार्डियक साइकिल, तो एक कार्डियक साइकिल के लिए कितना समय मिला, तो वो समय मिला हमको 0.8 सेकंड। 0.8 सेकंड में एक कार्डियक साइकिल कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। ड्यूरिंग ए कार्डियक साइकिल ईच वेंट्रिकल पंप्स आउट अप्रॉक्स 70 ml ऑफ ब्लड विच इज कॉल्ड द स्ट्रोक वॉल्यूम। तो एक बार में हार्ट जब पंप करता है, ठीक है, कार्डियक साइकिल में ईच वेंट्रिकल पंप्स, ध्यान रखेंगे दो वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, तो हर एक वेंट्रिकल से 70 70, मतलब 70 ml ब्लड राइट वेंट्रिकल से लंग में चला जाएगा और 70 ml ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी में चला जाएगा। ईच वेंट्रिकल पंप्स, दोनों में से हर एक 70 70 ml पंप कर रहे हैं ब्लड, और इसी को स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है। तो अगर हम एक मिनट में कैलकुलेट करना चाहे तो एक मिनट में 72 टाइम्स बीट करता है और हर एक बार में 70 ml पंप करता है एक वेंट्रिकल, ठीक है। तो टोटल ये जो है ये कार्डियक आउटपुट मिल जाएगा हमको एक मिनट में, कार्डियक आउटपुट, ठीक है। और इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो करीब करीब 5000 ml हो रहा है एक वेंट्रिकल से, यानी करीब करीब 5 लीटर ब्लड हेल्दी निजुल में, जिसका हार्ट हेल्दी हो, एडल्ट हो, ठीक है। अब देखिए कि जब हमको जरूरत रहती है, जब हम ज्यादा काम करते हैं, तेजी से दौड़ते भागते हैं, उस समय हमको ज्यादा स्ट्रोक वॉल्यूम की, ज्यादा हार्ट बीट की जरूरत पड़ती है, तो हमारा शरीर जो है ये इसको बदल देता है, मतलब रेट को बढ़ा देगा, कम कर देगा, बढ़ा देगा, कम कर देगा, ऐसा करता है। द बॉडी हैज द एबिलिटी टू आल्टर द स्ट्रोक वॉल्यूम एज वेल एज द हार्ट रेट एंड देयर बाय द कार्डियक आउटपुट। मान लो कोई तेजी से दौड़ भाग रहा है तो उसका हार्ट बीट 72 से बढ़ के 100 तक पहुंच सकता है,
और कोई अगर सो रहा है रिलैक्स कंडीशन में है तो उसका हार्ट बीट 72 से ज़्यादा कम तो नहीं होता, लेकिन थोड़ा बहुत कम हो सकता है। तो जरूरत पड़ने पर बढ़ा देते हैं अपन, जरूरत खत्म होने पर वापस कम कर देते हैं, ठीक है। इसीलिए जो खिलाड़ी हैं एथलीट, उनका स्ट्रोक वॉल्यूम हमेशा ज़्यादा रहेगा जो हम साधारण लोग हैं उनकी तुलना में, ठीक है। तो योग करने वाले खिलाड़ी लोग, इन लोगों का ज़्यादा स्ट्रोक वॉल्यूम रहता है और ज़्यादा कार्डियक आउटपुट रहता है, ठीक है। अब देखिए हार्ट साउंड, हार्ट में दो बार ऐसा साउंड निकलता है। कब कब निकलता है? एक बार जब ट्राइकास्पिड बाइकास्पिड बंद होते हैं तब, और एक बार जब सेमी लूनर बंद होता है तब। और ये कब कब होते हैं फिर से एक बार देख लीजिए। ये देखिए, ये हार्ट है, ठीक है। ये यहां पर ट्राइकास्पिड है और यहां पर बाइकास्पिड है। ये ट्राइकास्पिड, ये बाइकास्पिड, ये कब बंद होंगे? जब वेंट्रिकल्स, ये वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे सिस्टोल, उस समय ट्राइकास्पिड और बाइकास्पिड बंद हो जाएंगे। क्यों बंद होंगे? ताकि ब्लड जो है वेंट्रिकल से वापस एट्रिया में ना जा पाए, और ये ब्लड चले जाते हैं पल्मोनरी एओर्टा में और सिस्टेमिक एओर्टा में। इनमें लगा होता है सेमी लूनर वाल्व, ये खुले रहते हैं इस समय। जब ट्राइकास्पिड बाइकास्पिड बंद होते हैं, सेमी लूनर खुले रहते हैं। तो ट्राइकास्पिड और बाइकास्पिड के बंद होने से एक साउंड आता है, उसे हम कहते हैं LUBB, लब की साउंड आती है, ठीक। ट्राइकास्पिड बाइकास्पिड बंद होते हैं जब, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जब। अब जब वेंट्रिकल रिलैक्स होंगे डायस्टोल, उस समय ट्राइकास्पिड बाइकास्पिड तो खुल जाते हैं, लेकिन इससे कोई ज्यादा आवाज नहीं आती। आवाज आएगी जब ये सेमी लूनर बंद होंगे, ये सेमी लूनर बंद हो जाते हैं। वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो ट्राइकास्पिड बाइकास्पिड बंद होते हैं, वेंट्रिकल रिलैक्स होते हैं डायस्टोल तो ये सेमी लूनर बंद होते हैं। और सेमी लूनर के बंद होने से डप की आवाज आती है, डप, DUP, डप। अब इन दोनों को आप समझ लीजिए, जो लब की साउंड है ये थोड़ी डल साउंड होती है, थोड़ी धीमे आती है और लंबे समय तक आती है, लब ऐसा। और डप जो है थोड़ी शार्प साउंड है और जल्दी से खत्म हो जाती है, डप लब, डप लब, डप, इस टाइप की आवाज आती है। इतना क्लियर नहीं होता जैसा मैं बता रहा हूं, लेकिन फिर भी स्टेथोस्कोप से सुन सकते हैं। ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल ट्रू प्रोमिनेंट साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड विच कैन बी इजली हर्ड थ्रू ए स्टेथोस्कोप। द फर्स्ट हार्ट साउंड लब, ये देखिए, फर्स्ट हार्ट साउंड इज लब, इज एसोसिएटेड विद द क्लोजर ऑफ ट्राइकास्पिड एंड बाइकास्पिड वाल्व। मैंने बताया ना कि ट्राइकास्पिड बाइकास्पिड के बंद होने से लब की आवाज आती है। वेयर इज द सेकंड हार्ट साउंड डब इज द एसोसिएटेड विद द क्लोजर ऑफ द सेमिलर वाल्व, सेमिलर वाल्व के बंद होने से। तो पहला साउंड ट्राइकास्पिड बाइकास्पिड बंद होने से, दूसरा वाल्व सेमिलर बंद होने से। दीज साउंड्स आर ऑफ क्लिनिकल डायग्नोस्टिक सिग्निफिकेंस, मतलब हार्ट पे अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो ये जो हार्ट साउंड है ना, ये डिस्टर्ब हो जाते हैं। वाल्व अगर डैमेज हो गए हैं तो ये साउंड मरमर की साउंड आती है, फिर साउंड ऑफ मरमर, MUR, ठीक है। उससे हार्ट डिजीज का पता चलता है कि वाल्व जो है डैमेज हो गए हैं, ऐसा, ठीक। अब है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ये आप सब ने देखा होगा कि अगर हम एक बार इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कराते हैं तो एक पेपर निकलता है, उस पेपर में इस टाइप की ऐसे 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 छपा रहता है ना, ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है। लेकिन जब हॉस्पिटल में भर्ती होता है कोई गंभीर मरीज होता है, सीरियस, तो उसमें परमानेंट मशीन को लगा दिए रहते हैं और एक स्क्रीन में ये दिखते रहता है परमानेंट, ठीक है। यू आर प्रोबेबली फैमिलियर विद दिस सीन फ्रॉम ए टिपिकल हॉस्पिटल टेलीविजन शो। ए पेशेंट इज हुक्ड अप टू ए मॉनिटरिंग मशीन दैट शोज वोल्टेज ट्रेसेस ऑन ए स्क्रीन एंड मेक्स द साउंड पिप 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 पी। जब पेशेंट गोज इन टू कार्डियक अरेस्ट, ज्यादातर फिल्मों में और सीरियल्स में दिखाता है, ऐसा लिख रहा है,
कि पिप 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 करते रहता है, फिर अचानक पी कर देता है और फिर पेशेंट खत्म. दिस टाइप ऑफ मशीन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इज यूज टू ऑब्टेन एन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ईसीजी. मशीन का नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ और जो प्रिंट निकलता है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम. थोड़ा सा उल्टा टाइप का लगता है, ध्यान रखेंगे आप. तो ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट ड्यूरिंग अ कार्डियक साइकिल. तो हमने ये देखा कि कार्डियक साइकिल के दौरान जो है इम्पल्स प्रोड्यूस होते हैं, है ना, और ऑरिकल से वेंट्रिकल से होते हुए आगे बढ़ते हैं. तो उन्हीं इलेक्ट्रिकल जो एक्टिविटी है उसको हम रिकॉर्ड करते हैं ईसीजी में. ठीक है. टू ऑब्टेन ए स्टैंडर्ड ईसीजी एज शोन इन द फिगर दिस, ए पेशेंट इज कनेक्टेड टू द मशीन विथ थ्री इलेक्ट्रिकल लीड्स. ठीक है, यहां पर ध्यान रखेंगे. तीन इलेक्ट्रिकल लीड लगाते हैं, वन टू ईच रिस्ट एंड टू द लेफ्ट एंकल. दोनों हाथों के रिस्ट में एक एक और एक लेफ्ट पैर के एंकल में. दैट कंटिन्यूअसली मॉनिटर द हार्ट एक्टिविटी. ये पेशेंट भर्ती है उनमें. ठीक है, लेकिन एक बार में हम जब डिटेल इवोल्यूशन करना चाहते हैं तो करीब 8-10 लीड्स लगा देते हैं. यहाँ छाती में लगा देते हैं, पैरों में लगा देते हैं, हाथ में लगाते हैं, कई जगह लगाते हैं. मल्टीपल लीड्स अटैच टू द चेस्ट रीजन है. देखिए, कई लीड्स जो है चेस्ट रीजन में लगाते हैं. हियर वी विल टॉक ओनली अबाउट ए स्टैंडर्ड ईसीजी. ये स्टैंडर्ड ईसीजी है. अब देखिए इसमें क्या होता है ना, पी क्यू आर एस टी. ये आपको वेव दिख रहा है, तो ध्यान दीजिए, मैं आपको बताता हूं. पहले ये पी वेव क्या है. पी है जब ऐसे नोड से इंपल्स शुरू होता है, उसको पी से दिखाते हैं अपन. और इंपल्स प्रोड्यूस होने के बाद एट्रिया में फैलता है, फिर एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, सिस्टोल. बस वही है पी से क्यू तक. पी से क्यू जो है ये एट्रियल सिस्टोल है, मतलब ऑरिकल का सिस्टोल. उसके साथ ही साथ वेंट्रिकल में फैल जाता है बाद में. तो वेंट्रिकल का सिस्टोल क्यू आर एस से दिखाएंगे अपन. ये वेंट्रिकल का सिस्टोल है. और एस टी के बीच में डायस्टोल होता है. ऑरिकल भी डायस्टोल कर रहा है, वेंट्रिकल भी डायस्टोल कर रहा है, जॉइंट डायस्टोल. तो पी से स्टार्ट होता है वेव, पी क्यू के बीच में ऑरिकल और क्यू आर एस के बीच में वेंट्रिकल, ये सिस्टोल हो जाते हैं. और एस टी के बीच में डायस्टोल हो जाते हैं. फिर यहां पर एक छोटा सा गैप रहता है, इसमें लिखा नहीं है, पी करके होते हैं एस पी क्यू आर एस टी. फिर एक छोटा सा गैप के साथ पी चालू होता है. ये देखिए, ये गैप जो यहां पर दिया है ना, ये पी है. फिर यहां पर मतलब गैप है, पी यहां से चालू हो रहा है, ये गैप है ना, जिसको हार्ट रेस्ट कहते हैं. ठीक है. ईच पीक इन द ईसीजी इज आइडेंटिफाइड विथ अ लेटर फ्रॉम पी टू टी दैट करस्पॉन्ड्स टू स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट. ठीक है, तो मैंने आपको बताया क्या क्या है. पी वेव, पी वेव रिप्रेजेंट्स द इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन और डीपोलराइजेशन ऑफ द एट्रिया विच लीड्स टू द कॉन्ट्रेक्शन ऑफ बोथ द एट्रिया. ये देखिए, पी वेव जो है पी से क्यू के बीच में शुरू होकर के ऑरिकल में फैलता है और पी क्यू के बीच में ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं. तो एट्रियल डीपोलराइजेशन, डीपोलराइज मतलब कॉन्ट्रैक्ट होना, पोलराइज मतलब रिलैक्स होना. ठीक. क्यू आर एस इज द डीपोलराइजेशन ऑफ ए वेंट्रिकल. मैंने बताया अभी कि ये जो क्यू आर एस है इसमें वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं. पी क्यू में ऑरिकल, क्यू आर एस में वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं. तो वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन, ठीक है, विच इनिशिएट्स द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन. द कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट्स shortly after Q and marks the beginning of the systole. ठीक है. The T wave represents the return of the ventricles from excitation to the normal state, repolarization. The end of the T wave marks the end of the systole. ठीक है. तो कुल मिला के ये है कि Q और S के बीच में ventricle systole हुए और ST के बीच में ventricle relax हुए. इस बीच में auricle भी relax हो जाते हैं. फिर से थोड़ा सा एक हार्ट रेस्ट होता है कुछ माइक्रोसेकंड का, उसके बाद फिर से ये सिस्टोल डायस्टोल चालू हो जाता है. ऑब्वियसली बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ क्यू आर एस कॉम्प्लेक्सेस दैट अकर इन ए गिवन टाइम पीरियड वन कैन डिटरमाइन द हार्ट बीट रेट ऑफ एन इंडिविजुअल.
तो भाई एक मिनट में 72 टाइम्स हो रहा है कि नहीं, आप गिन लीजिए क्यू आर एस टी है ना। सिंस द ईसीजी ऑब्टेंड फ्रॉम डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैव रफली द सेम शेप फॉर ए गिवन लीड कॉन्फिगरेशन, एनी डेविएशन फ्रॉम दिस शेप इंडिकेट्स ए पॉसिबल एबनॉर्मलिटी ऑफ डिजीज, हेंस इट इज ऑफ ए ग्रेट क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। तो ये जो नॉर्मल ईसीजी हमने देखा, इसमें थोड़ा सा भी चेंज होना उस बीमारी, उस व्यक्ति को बीमार साबित करता है, उसमें हार्ट में प्रॉब्लम साबित करता है, और आप उसका इलाज करिए या करवाइए, ठीक है। मैंने पिछले क्लास में डबल सर्कुलेशन और सिंगल सर्कुलेशन बताया है, ठीक है। तो यहाँ पर अब फिर से डबल सर्कुलेशन के बारे में बात कर रहा है। तो अगर फिर से मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर उसका अलग से दिया हुआ है कि डबल सर्कुलेशन और सिंगल सर्कुलेशन क्या है। तो आपको याद होगा कि फिश में मैंने बताया था कि फिश में एक वेंट्रिकल और एक ऑरिकल है, बॉडी से इम्प्योर ब्लड आता है ऑरिकल में, ठीक है, ये बॉडी से आ रहा है और प्योर ब्लड बॉडी में चला जाता है, ठीक है। प्योर ब्लड बॉडी में चला जाता है क्योंकि रास्ते में गिल्स पड़ते हैं, वो ये ब्लड को प्योर कर देते हैं। तो फिश का जो हार्ट है वो सिंगल सर्किट सर्कुलेशन शो करता है क्योंकि इसमें केवल इम्प्योर ब्लड बहता है, प्योर ब्लड वापस हार्ट में नहीं आता, सीधे बॉडी में चला जाता है, ठीक है। तो ये सिंगल सर्किट सर्कुलेशन है। लेकिन डबल सर्किट सर्कुलेशन क्या है, ये देखिए, डबल सर्किट सर्कुलेशन है, इसमें हमने क्या किया है, देखिए कि पूरे बॉडी पार्ट से इम्प्योर ब्लड जो है वेन्स के माध्यम से हार्ट में आया, हार्ट के राइट साइड में आया, राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल, फिर यहां से निकल के ये ब्लड गया लंग्स में प्योर होने के लिए, लंग्स उसको प्योर कर देता है, प्योर का मतलब है ऑक्सीजन भर देता है। फिर जो प्योर ब्लड है वो लंग्स में से आता है पल्मोनरी वेन्स की सहायता से लेफ्ट ऑरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल में, हार्ट में दोबारा आता है हार्ट में, और हार्ट से फिर ये निकल करके पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है। मतलब क्या है कि ब्लड जो है हार्ट से दो बार गुजरता है, एक बार इम्प्योर ब्लड पूरे बॉडी से आता है हार्ट में, फिर ये प्योर होने के लिए लंग में जाता है, फिर प्योर होकर वापस आता है और फिर बॉडी में जाता है। तो लंग में ये दो बार घूमता है ब्लड, इसलिए डबल सर्किट सर्कुलेशन है, ठीक है। ये फिश से ऊपर एम्फीबिया रेप्टिलिया बर्ड्स मैमल सब में है, ये अलग बात है कि एम्फीबिया और रेप्टिलिया में ये इनकम्प्लीट है क्योंकि वहां पर मिक्स ब्लड बहता है बॉडी में, तीन चैम्बर्ड हार्ट है, थ्री चैम्बर्ड, ठीक। यहां पर वेन्स और आर्टरी में डिफरेंस दिखा रहा है, ऐसे आप एक नजर में देखेंगे तो लगभग एक जैसा दिख रहा है, लेकिन जरा ध्यान से देखिए क्या डिफरेंस है। पहला डिफरेंस देखिए कि वेन के अंदर का जो ल्यूमेन है वो ज्यादा चौड़ा है, आर्टरी का कम चौड़ा है, ये पहला डिफरेंस हुआ, ठीक। दूसरा डिफरेंस क्या है, इसके जो वॉल की मोटाई है वो कम है और इसके वॉल की मोटाई ज्यादा है, ठीक। तीसरा अंतर देखिए, वॉल में तीन लेयर होते हैं, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटरना। तो एक्चुअली यहां पर आप देखिए कि ट्यूनिका मीडिया जो मसल का बना होता है वो पतला है, यहां पर ये ट्यूनिका मीडिया मोटा है, ये मसल का बना होता है। ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका इंटरना, ये दोनों लगभग एक जैसे होते हैं, दोनों में बराबर बराबर, ठीक है। ट्यूनिका एक्सटर्ना जो है वो मेम्ब्रेनस होता है, कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है, और ट्यूनिका मीडिया जैसा मैंने बताया ये मसल का बना होता है, ट्यूनिका इंटरना ये एपिथेलियल सेल्स का बना होता है, दोनों में। ट्यूनिका मीडिया इसमें पतला है, इसमें मोटा है, मतलब वेन में पतला आर्टरी में मोटा है, बस ये अंतर है, आर्टरी इसलिए मोटी है। और जब ये आर्टरीज ब्रांचिंग करना शुरू करते हैं हमारे शरीर में, बहुत पतले पतले फाइन ब्रांच बनाते हैं, उन्हें हम कैपिलरी कहते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूट होते 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 तो पूरे कैपिलरी बन जाते हैं, फिर कैपिलरी कलेक्ट होते 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 वेन्स बन जाते हैं। तो जो आर्टरी की कैपिलरी है उसे आर्टेरियोल और जो वेन की कैपिलरी है उसे वेन्योल कहते हैं, वही चीज, बस ये डिस्ट्रीब्यूट होता है, वो कलेक्ट होता है। और जब ये कैपिलरी बनते हैं तो कैपिलरी में सिर्फ इनर लेयर बसता है, ये जो आर्टरी और वेन है
इसमें तीन लेयर जो थे, ट्यूनिका एक्सटर्ना मीडिया इंटरना, उसमें से सिर्फ ट्यूनिका इंटरना, और ट्यूनिका इंटरना को एंडोथीलियम भी कहते हैं, एंडोथीलियम, ठीक है। और ये बना होता है एपिथीलियल टिश्यू का, सिर्फ यही एक लेयर बचता है कैपिलरी में जो एपिथीलियल टिश्यू का बना हुआ है, चपटे चपटे सेल से आप देख सकते हैं। और इसलिए कैपिलरी इतने पतले हो जाते हैं कि ब्लड इसमें से छन छन करके बाहर आता है, क्योंकि कैपिलरी कहाँ पर है, हमारे टिश्यूज के पास है, और टिश्यू जिस लिक्विड में डूबा हुआ है, जिसको टिश्यू फ्लूइड कहते हैं अपन, या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कहते हैं, वो फ्लूइड कहाँ से आया, तो ब्लड से छन के बाहर आया हुआ है ना, ब्लड से छन छन करके बाहर भी आता है और वापस ब्लड में भी जाता है, ब्लड से एक्सचेंज होता है। तो ब्लड जो छन के बाहर आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, वो कैपिलरी से आ रहा है, क्योंकि कैपिलरी जो है वो बहुत पतले ट्यूब्स हैं, इनकी वॉल बहुत पतली है, सिर्फ एक लेयर एपिथीलियम है जिसको एंडोथीलियम कहते हैं, और उसी से छन के बाहर आती है, ठीक है। तो ये हमारे ब्लड में, सॉरी टिश्यूज में, ये ब्लड ब्लड का जो छना वाला पार्ट है, टिश्यू फ्लूइड, वो भरते रहता है, ठीक। यहाँ पर जो नाम है एक बार और देख लीजिए, जो पूरे बॉडी से ब्लड को कलेक्ट करते हैं उनका नाम है वेना केवा, ऊपर से कलेक्ट करने वाला का नाम प्री या इंटीरियर वेना केवा या प्री केवा कहते हैं, ऊपर से कलेक्ट करता है एक, नीचे से कलेक्ट करता है उसे पोस्टीरियर वेना केवा या पोस्ट केवा कहते हैं, ठीक है। और जो इस इम्प्योर ब्लड को लेके जाता है लंग में उसे पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं, एकमात्र आर्टरी पूरे शरीर में जो इम्प्योर ब्लड कैरी करता है, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी का मतलब लंग्स, ठीक है। तो लंग्स में कैरी करके लेके जाता है इम्प्योर ब्लड को पल्मोनरी आर्टरी, फिर लंग्स में से पल्मोनरी वेन निकलते हैं और ये प्योर ब्लड को लेके हार्ट में आता है, तो एकमात्र ऐसा वेन जो प्योर ब्लड कैरी करता है शरीर में, बाकी उल्टा है पूरे शरीर में, ठीक। तो प्योर ब्लड को पल्मोनरी वेन लेके आता है लंग्स से हार्ट में, फिर हार्ट से निकलता है सिस्टेमिक एओर्टा, एक्चुअली जो निकलता है पहले ये सिस्टेमिक एओर्टा है, फिर नीचे घूम करके आता है ना, तब हम इसे डॉर्सल एओर्टा कहते हैं, और इसी को अपन कहते हैं लेफ्ट सिस्टेमिक आर्क, सिस्टेमिक आर्क, ठीक है, सिस्टेमिक आर्क हम लोगों में लेफ्ट सिस्टेमिक आर्क है, बर्ड्स में राइट होता है और रेप्टाइल में दोनों साइड से आता है, लेफ्ट और राइट से बीच में मिल जाता है, और ये नीचे जाके डॉर्सल एओर्टा, तो ये जैसे ही निकलता है ना ये बहुत सारे ब्रांचिंग करने लगता है और पूरे शरीर के अलग अलग अंगों को ये सप्लाई देता है ना, सबसे पहले तो हार्ट को ही सप्लाई देता है कोरोनरी आर्टरी के फॉर्म में, फिर इंडोमिनेट कैरोटिड ये ऊपर को देता है, फिर नीचे आएंगे तो लंग्स के लिए, मतलब इंटरकॉस्टल फ्रेनिक डायफ्राम के लिए, नीचे सीलिया, मतलब बहुत सारे ब्रांचिंग देता है, पूरे शरीर को ये बांटता है ब्लड को, प्योर ब्लड को, तो ये बॉडी पार्ट्स में जाता है, तो नीचे आके डॉर्सल एओर्टा कहलाता है और जहाँ पर निकलता है इसे सिस्टेमिक एओर्टा कहते हैं, सिस्टेमिक एओर्टा, ठीक है, इसको कहते हैं सिस्टेमिक एओर्टा। तो मेरे हिसाब से आपको इतनी बातें अब समझ में आ गई होंगी, अब इसमें टेक्स्ट में क्या लिखा है इसको हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है। डबल सर्कुलेशन, एज मेंशन्ड अर्लियर द ब्लड पम्प्ड बाय द राइट वेंट्रिकल एंटर्स द पल्मोनरी आर्टरी वेयर इज द लेफ्ट वेंट्रिकल पम्प्स ब्लड इनटू द एओर्टा, मतलब राइट वाला पंप करता है लंग को और लेफ्ट वाला पंप करता है सिस्टेमिक एओर्टा को जो पूरे बॉडी में लेके जाता है। द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पम्प्ड इनटू द पल्मोनरी आर्टरी इज पास्ड इनटू द लंग फ्रॉम हेयर द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कैरीड बाय द पल्मोनरी वेन्स इनटू द लेफ्ट एट्रियम, तो राइट वेंट्रिकल से लंग में गया पल्मोनरी एओर्टा के द्वारा, वहां से आया पल्मोनरी वेन के द्वारा लेफ्ट ऑरिकल में। दिस पाथवे कंस्टिट्यूट द पल्मोनरी सर्कुलेशन, तो पल्मोनरी सर्कुलेशन मतलब लंग सर्कुलेशन, लंग में इस तरह से गया ब्लड, ठीक है। द ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटरिंग द एओर्टा इज कैरीड बाय ए नेटवर्क ऑफ आर्टरीज आर्टेरियोल्स एंड कैपिलरीज टू द टिश्यूज फ्रॉम वेयर द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कलेक्टेड बाय ए सिस्टम ऑफ वेन्यूल्स, तो मैंने अभी बताया कि एओर्टा प्योर ब्लड को लेकर निकलता है लेफ्ट वेंट्रिकल से, पूरे बॉडी में आर्टेरियोल्स के द्वारा, कैपिलरी के द्वारा बांटता है, फिर कलेक्ट होता है वेन्यूल के द्वारा, वेन्स के द्वारा, ठीक है, वेन्यूल्स वेन्स एंड वेना केवा एंड एम्पेटाइज इनटू द राइट एट्रियम, और वो राइट एट्रियम में लेके आता है। दिस इज द सिस्टेमिक सर्कुलेशन, तो दो सर्कुलेशन हमने देखा, एक पल्मोनरी सर्कुलेशन एक सिस्टेमिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या है, लंग में जाना, लंग से वापस आना, और सिस्टेमिक सर्कुलेशन क्या है, जो पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है, ठीक है। द सिस्टेमिक सर्कुलेशन प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन
ये देखिए न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन एंड अदर एसेंशियल सब्सटेंसेस टू द टिश्यूज एंड टेक CO2 एंड अदर हार्मफुल सब्सटेंसेस अवे फॉर एलिमिनेशन. तो हमारा सिस्टमिक सर्कुलेशन जो है पूरे बॉडी को ऑक्सीजन है, न्यूट्रिएंट्स है, हार्मोन्स है, ये सारी चीज सप्लाई करता है और वहां से CO2 और एक्सक्रीटरी मटेरियल को कलेक्ट करता है और उनको लेके आके शरीर से निकालता है. ए यूनिक वैस्कुलर कनेक्शन एग्जिस्ट बिटवीन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द लिवर कॉल्ड हिपेटिक पोर्टल सिस्टम. देखिए हमारे हार्ट से निकलता है प्योर ब्लड, हो तो इंटेस्टाइन में जाते हैं, लेकिन इंटेस्टाइन से जो इम्प्योर ब्लड निकलता है वो हार्ट की तरफ नहीं जाता, वो लिवर में जाता है. इसलिए कि इंटेस्टाइन जो फूड एब्जॉर्ब किया है, डाइजेस्ट किया है, वो उस ब्लड में रहेगा तो लोड रहता है तो वो लिवर में चला जाता है. तो लिवर में जाता है इसलिए उसको हिपेटिक पोर्टल सिस्टम कहते हैं. इसके बारे में अलग से मैं आपको हिपेटिक पोर्टल सिस्टम इसी चैप्टर में आखिरी में एक बार पढ़ा दूंगा, ठीक है. हालांकि वो एनसीईआरटी में नहीं दिया है, लेकिन हिपेटिक पोर्टल सिस्टम में आपको एक बार एक टॉपिक के तौर पर इसको पढ़ा दूंगा इसी में, ठीक है. द हिपेटिक पोर्टल वेन कैरीज ब्लड फ्रॉम द इंटेस्टाइन टू द लिवर बिफोर इट इज डिलीवर्ड टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन. क्योंकि इंटेस्टाइन से डाइजेस्टिव फूड उस ब्लड में रहता है तो उसको पहले लिवर में ले जाते हैं, फिर लिवर उसको रोक लेता है डाइजेस्टेड फूड को, फिर वो निकलता है लिवर से हिपेटिक वेन के द्वारा. स्पेशल कोरोनरी सिस्टम ऑफ ब्लड वेसल इज प्रेजेंट इन आवर बॉडी एक्सक्लूसिव फॉर द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड टू एंड फ्रॉम द कार्डियक मस्कुलेचर. आपको बता दें कि हमारा हार्ट जो है वो भी मसल का बना हुआ है, उसमें भी लिविंग टिश्यूज हैं, उनको भी न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है. तो वो अपना न्यूट्रिशन जो उसमें ब्लड भरा है उससे नहीं लेते हैं, एक अलग से सर्कुलेशन उनके लिए चलता है हार्ट की वॉल के लिए, ये हार्ट की वॉल है उसके लिए. तो उस सर्कुलेशन को अपन कोरोनरी सर्कुलेशन कहते हैं. आर्टरी को कोरोनरी आर्टरी कहते हैं, जो प्योर ब्लड लेके जाता है और निकालता है उसे कोरोनरी वेन कहते हैं, जो इम्प्योर ब्लड को लेके आता है. तो हार्ट की दीवार के लिए, हार्ट की वॉल के लिए, टिश्यूज के लिए अलग से सर्कुलेशन है, वो कोरोनरी सर्कुलेशन है, ठीक है. ठीक है दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आगे का टॉपिक यहाँ पर देख सकते हैं, रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी, ये सब चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊंगा. और अगर आप अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं मित्र, तो कृपया कर लें और शेयर लाइक कमेंट जरूर कर दें, ताकि मुझे समझ में आए कि आपको भी अच्छा लग रहा है ना. और कंटिन्यू जुड़े रहें, आप बेल आइकन को दबा लें जिससे आपको मेरे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे, है ना. तो धन्यवाद दोस्तों, गुड नाइट, थैंक यू.